अंदर भगवान शिव का और सती का विहार चल रहा था। ब्रह्मा जी ने बार बार देवी की उपासना की। उसके बाद में बताते हैं दो दक्ष के यहाँ शबलाश्व और कृशाश्व इस प्रकार के 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनको नारद जी ने वन में भेज दिया। और उसी वन में भेजने के कारण दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे पुत्रों को घर से विमुख करके वन में भेजा है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब तुम किसी का घर बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि दो क्षण से अधिक तुम किसी के घर पर रुक नहीं पाओगे। उस श्राप को नारद जी ने अंगीकार कर लिया और भगवान शिव के साथ में सती का विवाह हुआ। यहाँ दक्ष की जो दूसरी कन्याएं हैं 60,000, उन 60,000 कन्याओं को भी दक्ष ने अनेक देवताओं को दे दी, धर्म आदि जिनके पति हुए। बड़ा ही सुंदर चरित्र सती जी का है, बहुत लंबा चरित्र है, इसलिए पूर्ण रूप से तो हम लोग इसे सुन नहीं पाएंगे, परंतु थोड़े से सूक्ष्म रूप में बता करके फिर आगे की समस्त कथाओं को हमें पूर्ण करना है। यहाँ एक बार जो सती जी हैं वो भगवान शिव से पूछती हैं कि प्रभु मुझे भक्ति का उपदेश करिए। भगवान शिव ने बताया, श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथा अर्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा सख्यमात्मर्पणम चेति नवांगानि विदुर्बुधा। इन्हीं चीजों को बड़े सुंदर तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, हो प्रथम भगति संतन कर संगा, गुरुपद पंकज सेवा की सरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दमशील बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम समा मोहिमय जग देखा, सातम जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, मोते अधिक संत करे लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, आठम यथा लाभ संतो सपने हो नहीं देखा,
स्नेहो नहीं देखे पर दोषा नवम सरल सब संशय हीना भरोस हिय हर्षन दीना। इस प्रकार नवधा भक्ति का निरूपण सती जी के सामने भगवान शिव ने किया। कहते हैं सूत जी की एक बार की बात है, त्रेता युग चल रहा था, भगवान शिव और सती मृत्यु लोक पर आए कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान रामचंद्र की कथा सुनने के लिए। एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता जैसे शिव पुराण में लिखा है वैसा ही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। बिल्कुल जैसा श्लोक शिव पुराण का है वैसे ही चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णित की है। कुंभज ऋषि के पास जाते हैं। संग सती जग जननी भवानी, बड़ा सुंदर संबोधन। भवानी यानी भव, जो भगवान शिव हैं उनकी पत्नी भवानी। ऋषि ने अखिलेश्वर जान करके भगवान शिव और भवानी सती पार्वती अंबिका अनेकों जिनके नाम हैं ऐसे उनका पूजन किया और राम कथा का श्रवण भगवान श्री शंकर भगवान और देवी सती को करवाया। देखिए राम कथा कहाँ से प्रकट हुई है, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस शिव से ही रामचरितमानस की उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव ने रामचरितमानस को रच करके अपने मन में रख लिया और जब माता पार्वती ने बड़ा अनुनय विनय करके प्रार्थना करके भगवान शिव से कहा कि भगवान आपके शिव में आपके गले में ये जो मुंडमाल पड़ी हुई है इसका रहस्य आप मुझे बताइए, तब भगवान शिव ने कहा कि पार्वती तुम जब बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाती हो
तो तुम्हारे उस मुंड को मैं अपनी इस माला में धारण कर लेता हूँ। पार्वती ने पूछा कि भगवान ऐसे कैसे कि आपके जन्म नहीं होते और मैं बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाती हूँ। भगवान शिव ने कहा, मैंने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए मेरा जन्म नहीं होता, मेरी मृत्यु नहीं होती। तो भगवान, उस अमर कथा को मैं भी सुनना चाहती हूँ। वही अमर कथा जो है, वही राम कथा है, वही श्रीमद् भागवत है, यही भगवत चरित्र जो है, यही अमर कथा है। अमर कथा कोई विशेष एक पुस्तक का नाम नहीं। अमरनाथ जी में जाकर के माता पार्वती को भगवान शिव ने अनेकों लीलाएं भगवान की जो सुनाई है, वही अमर कथा है। तो भगवान शिव ने जिस मानस को अपने मानस में रच करके रखा था और पार्वती को सुनाया, वही रामचरितमानस सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास में भगवान शिव आए हैं। ऐसी होनी चाहिए श्रवण भक्ति। आज हम हैं, आपको कथा सुना रहे हैं, तो क्या हम कभी सुनते नहीं है? श्रवण भक्ति नहीं होए ते केवल बोलवानू 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 कोई अर्थ तो नथी, ए सार्थक नथी बोलवानू। श्रवण भक्ति प्रथम भक्ति है, सबसे पहली जो भक्ति है, पहली जो सीढ़ी है भगवान को प्राप्त करने की, वो है श्रवण भक्ति। भगवान शिव भी अपने कानों की प्यास बुझाने के लिए कुंभज ऋषि के यहाँ पर पहुंच गए। और बड़ी सुंदर बात है कि एक बार भगवान शिव और पार्वती जी कहीं जा रहे थे और रास्ते में जो सनत सनंदन, सनत कुमार और सनातन चारों ऋषि हैं, वो सामने से आ रहे थे। यद्यपि ये बहुत बड़े हैं, बहुत उम्र के हैं, परंतु 5-5 वर्ष के छोटे बालक दिखाई देते हैं, लंगोटी पहने रहते हैं। पार्वती जी ने उन्हें देखा, शिव जी जब साथ में जा रहे थे तो संत तो अपनी मस्ती में मस्त थे, सनत कुमार, शिव जी इधर निकल गए, वो इस तरफ निकल गए, प्रणाम नहीं किया। पार्वती जी को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा, अरे ये आपके छोटे भाई होकर के आपको प्रणाम नहीं करते हैं। तो उन्हें श्राप दे दिया कि तुम ऊंट की तरह ऐसा जो मुंह उठा करके चल रहे हो ना, जाओ चारों ऊंट हो जाओ। बन गए ऊंट। अब उन चारों भाइयों का जो जीवन है ना, कथा मात्रिक जीवन, ए त्रण वैसी जाए श्रोतावणी अने एक बैठी जाए व्यास पीठ ऊपर, एक कथा कहे छे अने त्रण जनो आ कथा ने सुने छे, बीजा कोई नी जरूरत नथी। तो सनत कुमार, उन्होंने मन में विचार किया कि चलो कथा सुनते हैं। कथा एक भाई कहने लग गए, बाकी तीनों भाई बैठ करके ऊंट के रूप में कथा सुन रहे हैं, एक भाई ऊंट के रूप में बैठ करके कथा कह रहे हैं। पार्वती जी फिर जब वहां से निकली, उन्होंने देखा कि अरे इन पर तो कोई असर नहीं है, ये तो कथा चल रही है यहाँ तो अभी। तो उन्होंने पूछा कि क्यों भाई, तुम्हें कोई दुख नहीं हुआ, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया ऊंट बनने का? बोले, माता आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। जब हम मनुष्य शरीर में थे, नाऊ पड़े, खाऊ पड़े, वस्त्र पहनू जोइए, और अब तो न कपड़े पहनने की चिंता है, न नहाने की चिंता है, न खाने की चिंता है, बस दिन रात भगवान का भजन करते रहते हैं, भगवान की कथा सुनते रहते हैं। तो जो व्यक्ति श्रवण के भक्ति को प्राप्त कर लेता है, उससे बड़ी भक्ति संसार में और कोई नहीं है। तो यहाँ भगवान शिव कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास पहुंचे। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ध्यान दीजिएगा चौपाई के ऊपर, बड़ी गूढ़ बातें हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों में, रहस्य। जब आए थे तब माता सती का नाम लिया साथ में, लेकिन जब कथा सुनी तब ये कहा, सुनी महेश परम सुख मानी, अर्थात वहां दक्ष पुत्री जो
सती जी थी वो नहीं थी। बोले वो क्या कर रही थी, वो ये कह रही थी कि मुझे किसी दूसरे पुरुष की कथा सुनने से क्या मतलब है, मैं तो सती हूँ, मैं केवल अपने पति का चरित्र सुनती हूँ, मैं किसी दूसरे पुरुष का चरित्र नहीं सुनती। परंतु यहाँ ये ध्यान देना चाहिए कि जब मेरे पति उस पुरुष का चरित्र सुन रहे हैं तो अवश्य ही कोई दिव्य पुरुष होगा जिसका चरित्र मेरे पति सुनने के लिए आए हैं। नहीं सुनी, और उसके बाद में चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब वापस लौटे तो कहा कि दक्ष कुमारी के साथ में भगवान शिव कैलाश पर्वत को चल दिए। जब आई थी तब कौन थी, भवानी अर्थात भगवान शिव की पत्नी, और जब जाने लगी तब कौन हो गई, दक्ष की पुत्री, जिसने अपना दिमाग लगा लिया। दक्ष अर्थात चतुर, चतुर की पुत्री हो गई। उसी समय की बात है, भगवान राम का अवतार हुआ, मारीच को संग में लेकर के रावण ने माता जानकी का हरण कर लिया और भगवान श्री राम लोक लीला करते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ शंभु मन में विचार करते हैं भगवान शिव कि भगवान ने अवतार लिया है, किस प्रकार प्रभु के दर्शन मुझे प्राप्त हो, ऐसा विचार कर ही रहे थे तभी देखा कि सामने से दोनों भाई रोते रोते चले जा रहे हैं। हागुन खान जानकी सीता, बस 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 बस, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अनेक प्रकार के वृक्षों से, लताओं से, पत्थरों से, पर्वतों से, जल के झरनों से, नदियों से पूछते चले जा रहे हैं, किसी ने मेरी जानकी को देखा है क्या। उस लीला को देख करके भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए, उनके शरीर में रोमांच हो आया, कांटे खड़े हो गए और बड़ी दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले ओ मनोज न सावन, अस कही चले ओ मनोज न सावन। हे प्रभु सच्चिदानंद, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आंखों से अविरल अश्रु धारा बह रही है, शरीर में रोमांच हो रहा है, हाथ जोड़ करके दूर से ही सच्चिदानंद जग पावन कह करके प्रभु ने प्रणाम किया। बार बार पुलकावली जिनकी खड़ी हो जाती है आंखों से अश्रु धारा को देख करके, सती के मन में संदेह हुआ कि मेरे पति को तो दुनिया जगत का ईश कहती है, जगदीश कहती है, मेरे पति ने इन राजकुमारों को प्रणाम किया, प्रणाम किया यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सच्चिदानंद कह करके, सत चित आनंद, इस प्रकार के शब्द तो केवल परब्रह्म परमात्मा के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। सती को मोह हो गया। भगवान शिव ने समझाया, सती ये वही राम है जिनका मैं दिन रात स्मरण करता हूँ, तुम कोई शंका मत करो, ये परब्रह्म परमात्मा है, ये लीला करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं और ये इनकी लीला है, इसका आनंद लो और इनको प्रणाम करो। अब बताइए सती को संदेह क्यों हुआ, क्योंकि कथा नहीं सुनी थी। अगर राम कथा सुन लेती तो सती को संदेह होता, बताइए, नहीं होता, क्योंकि राम कथा में तो प्रसंग आया था कि जानकी का हरण हुआ और भगवान राम रोते हुए चले जा रहे हैं नरलीला करते हुए। इसका अर्थ ये है कि सती ने कथा नहीं सुनी। श्रोताओं के भी विविध प्रकार बताए गए हैं। एक होए श्रोता,
अने एक होए सरोता अने एक होए सोता एक होए सरमोता। जो वाकई में कथा सुनने के लिए आते हैं वो तो श्रोता हैं, वो ध्यान से कथा सुनते हैं और हमें यहाँ से मंच पे से दिखाई देता है वास्तविक रूप से कौन कथा सुन रहा है। एक होते हैं सरोता, व्यास जी कुछ भी कह रहे हैं, साज वाले कुछ भी बजा रहे हैं, आसपास के माता बहन कुछ भी सुन रहे हैं, भाई लोग कुछ भी सुन रहे हैं, उनको अपनी सुपारी काटने से मतलब है। कचर 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 है बहन थारा यहाँ सब ठीक छे, बहु लड़ती तो ना थी तारा थी, तारो बेटो नाती थयो तारा यहाँ है, थारो दोइत्र केम छे, थारी बेटी ससुराल में ठीक छे, एने परेशान तो नहीं करता, ए मारी आ पड़ोसन छे आ तो बहु बेकार छे, हूँ शू कहूँ तो एटला बेकार मनसा वीट फसी गई छू के मारे तो कई 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 कर सकता है नहीं। तो उनकी वो सुपारी काटने की वो चलती रहती है, कथा सुन रहे हैं सब लोग सुन रहे हैं पर उनकी जवान बंद नहीं है। और फिर तीसरे होते सोता, सोता आपको कल बताया था कि निद्रा देवी को वरदान है कि जो प्रेम से कथा नहीं सुने उस पर जाकर के तुम सवार हो जाना। पर भैया मैं तो जो घर में सो रहे हैं उनको कथा में सोने की अपेक्षा, जो घर में सो रहे हैं उनकी अपेक्षा कथा में सोने वाले को ज्यादा उत्तम मानती हूँ, क्योंकि वो कम से कम थोड़ी बहुत कथा तो उनके कान में पड़ती है। जब कभी बोलते हैं जय श्री कृष्ण, कहो बड़ी जोर थी जय श्री कृष्ण, नींद लग रही होगी खुल जाएगी क्या हुआ थोड़ी बहुत तो कथा कानों में पड़ेगी। जब कभी जय बोलते हैं पातालेश्वर महादेव की जय, पिपलेश्वर महादेव की जय, जय शब्द कानों में पड़ता है तो घर में सोने वालों की अपेक्षा कथा में सोने वाले ठीक है। और भैया एक होते सरमोता, ए बेन अहिया अंजार मा पातालेश्वर महादेव में कथा चाले छे, तमे चलो छो साथ में, अब मन में विचार करे के ना पाडूं तो ये कैसे, एने श्रद्धा नती कथा सांभळवा मा, जाऊ पड़शे, ए होय छे सरमोता, शरम आवी गई के भाई कोई यूं नहीं कह दे के नास्ते के कथा सुनने भी नहीं जा रहा है, घर में फालतू बैठे बैठे चलो सुन के आ जाते हैं। तो ये श्रोताओं के प्रकार हैं। चार प्रकार के और श्रोता होते हैं जो तुलसीदास जी ने बताए हैं, श्रोता चतुर्विध परम अनुपा, भेड़, भैंस, चालन और सूपा। भेड़ तो वो होती है जो एक भेड़ जा रही है उसके पीछे सब चल देती है। अभी भैया मैंने तो गुजराती बोलता बहु आवड़े नहीं छे, अहिया कोई गुजराती प्रवचनकार होता अने तमने समझ में पड़े बहु बदी समझ में पड़े तो एक जना सुनने आ रहा है तो उसके साथ सब लोग सुनने आ जाते कि भाई समझ में आती है गुजराती कुछ ना कुछ तो समझ में, और कुछ नहीं तो कम से कम दृष्टांत तो समझ में आएंगे। तो भेड़, भीड़ जा रही है उनके पीछे चले जा रहे हैं। एक होती है भैंस, दुनिया कुछ भी कर रही है उसको अपनी जुगाली से मतलब है, उसका मुंह चल रहा है कैसे, सरोते की तरह। एक होती है चलनी, जो खराब खराब सामान तो ऊपर रख लेती है और अच्छा अच्छा जो होता है वो नीचे निकाल देती है, अर्थात कथा में जो दृष्टांत आदि सुनाए हैं, चुटकुले जो सुनाए हैं, हंसने वाली बातें सुनाई हैं उनको याद रखते हैं, जो सार्थक बातें हैं वास्तविक जो शिव पुराण है उसको भूल जाते हैं। और एक होते हैं सूप, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गहिरे थोथा दे,
उड़ाए। जब बाजरानी खिचड़ी बनावा माटे बाजरो एम फटके छे तो भूसी भूसी होए चापड़ ए तो उड़ी जाए अने मोटो मोटो बाजरो इमा रही जाए। तो जो वास्तविक सार तत्व है उसको सुनने वाले जो श्रोता हैं, वास्तविक श्रोता तो वही है। सुनी नहीं सती जी ने कथा, संदेह कर लिया भगवान शिव की बातों पर भी। भगवान शिव ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परे छाले हो, तो किन जाहे परिछाले हो। सती, यदि मेरे कहने से भी तुम्हारे हृदय का संदेह नहीं जाता है तो तुम जाकर के इनकी परीक्षा कर लो। सती ने कहा, ठीक है, परीक्षा ही कर लेनी चाहिए। तो सती सीता जी का स्वरूप बना करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण जो विरह लीला करते चले आ रहे थे, जैसे राम जा रहे हैं उनके आगे, ऐसे सीता जी का स्वरूप बना करके चलने लगे। जब भगवान राम ने देखा सीता जी को, देख करके लक्ष्मण जी के मन में तो संदेह हुआ। लक्ष्मण जी मन में विचार करते हैं कि बताओ, हम तो भाभी को ढूंढते ढूंढते परेशान हैं और ये यहाँ जंगल में घूम रही हैं। परंतु अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम हैं, उन्होंने सती जी को पहचान लिया और जोरि पानि प्रभु प्रीकीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। हे माता सती, हे भगवान शिव की अर्धांगिनी, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। कहे उ बहोरी कहां मृष केतु, विपिन अकेली फिरो के हेतु। आप अकेली कैसे घूम रही हैं, शंकर जी कहाँ हैं आज? बस इतना सुनना था कि सती जी के तो छक्के छूट गए, पसीना पसीना हो जाती हैं और मन में विचार किया कि मुझे तो पकड़ लिया और ये तो वास्तव में ही परब्रह्म परमात्मा है। मैंने बहुत गलत कर दिया, अपने पति के वचनों को नहीं माना और इस तरह पछताती हुई चलने लग गई। जब भगवान राम ने देखा कि सती के हृदय में बड़ा दुख हुआ है तो प्रभु ने अपनी कुछ माया उनको प्रकट करके दिखलाई। अनेक ब्रह्मा, अनेक शिव, अनेक विष्णु, अनेक इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, अनेक ऋषि, अनेक अप्सराएं, इतने सारे दिखाई देते हैं भिन्न भिन्न रूप में, परंतु राम रूप दूसर नहीं देखा। जैसे राम उन्होंने वहां देखे हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग देवता दिखाई दे रहे हैं पर राम का स्वरूप वही दिखाई देता है। नयन मूंद बैठी मगमाही, हाथ जोड़ करके रास्ते में बैठ जाती हैं और प्रभु को प्रणाम करके कहती हैं कि प्रभु अपनी इस माया को समेट लीजिए, मैंने अब आपको पहचान लिया है कि आप ही परब्रह्म परमात्मा हैं। आपको कल बताया था एकत्व का प्रतिपादन किया है शिव पुराण में कि परब्रह्म परमात्मा के ही ये तीन स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, जो संसार की उत्पत्ति के लिए, संसार के पालन के लिए और संसार के प्रलय के लिए तीन स्वरूपों में ब्रह्मांड में अवतरित होते हैं। पहुंची जाकर के भगवान शिव पूछते हैं, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। कहो सती, परीक्षा लेकर के आ गई, सत्य सत्य बताना कैसे परीक्षा ली, क्योंकि तुम तो सती हो ना,
और सती तो सत्य से अलग कभी होती नहीं है, परंतु मालूम था भगवान शिव को कि ये सत्य नहीं बोलेंगी, इसलिए पूछा सत्य कहो सब बात। उस समय सती जी कह देती हैं, अरे प्रभु, जब आपने कह दिया कि परब्रह्म परमात्मा है, तो मैंने भी मन में विचार किया कि परब्रह्म परमात्मा ही होंगे, तो कछु न परीक्षा लीन गोसाई, ओ कछु न परीक्षा लीन गोसाई, प्रणाम तुम्हारी नाही। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। भगवान शिव से कह दिया, महाराज मैंने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं ली, मुझे तो विश्वास हो गया उन्हें देखते ही कि अगर आपने कहा कि ये परब्रह्म परमात्मा है तो ये परब्रह्म परमात्मा ही है। मैंने दूर से ही उन्हें आपकी तरह प्रणाम कर लिया और मैं लौट करके आ गई। भगवान शिव मन में विचार करते हैं कि मैंने इतनी बार समझाया तब तो इन्हें समझ में नहीं आया, फिर अचानक इनका मन क्यों बदला। भगवान शिव ने ध्यान रख करके पूर्ण चरित्र देख लिया और उसी समय ये संकल्प करते हैं कि जिस सती ने मेरी माता सीता का रूप धारण कर लिया है, अब इसको मैं पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। यदि पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ तो मेरी भक्ति खंडित हो जाएगी। और भगवान शिव ने उसी समय सती का त्याग कर दिया। आकाशवाणी होती है कि हे भगवान शिव, आपके समान इस प्रकार इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। सती जी ने पूछा, महाराज आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। भगवान शिव बोले, नहीं कोई प्रतिज्ञा नहीं की है, बस वैसे ही आकाशवाणी तो कुछ भी कहती रहती है। सती जी भगवान शिव के रुख को देख करके समझ गई कि इन्होंने मुझे त्याग दिया है, मेरा परित्याग कर दिया है, दुखी है। भगवान शिव मन में विचार करते हैं कि सती दुख को प्राप्त हुई है, इसलिए अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर कथाएं कहते हुए रास्ते में चले जा रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर शिक्षा है भगवान शिव के चरित्र से। आज न मानस होए, बाईड़ी थी झगड़ो थई जाए, और हमने कही जे जा दीदू तने तलाक तलाक तलाक। भगवान शिव ने मन से त्याग दिया है सती को, परंतु त्यागने के बाद में भी सती को दुख नहीं होना चाहिए। तो इसलिए न तो प्रगट इस बात को कहते हैं कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है, और उनके मन के दुख को कम करने के लिए भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन करते हुए, वर्णत विविध पंथ इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कहलाशा। वहां भगवान शिव ने अपना प्रण समझ करके वट वृक्ष के नीचे अपना आसन लगा लिया और प्रभु श्री राम नाम का आश्रय लेते हुए 87,000 वर्ष की समाधि में भगवान शिव बैठ गए। लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बीते सम्मद सहस 87,000 वर्ष बीत गए, तब जाकर के भगवान शिव ने समाधि छोड़ी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगत पति जागे। सती जी जब पहुंची हैं, जाय शंभु पद वंदन कीन्हा,
सन्मुख शंकर आसन दीना। जो वामांग में बैठा करती थी, जो भगवान शिव के वामांग में बैठा करती थी, वो अधिकार सती ने खो दिया। जैसे ही प्रणाम किया सती ने जाकर के, भगवान शिव ने उठा करके आसन सामने रख दिया, लो इस पर बैठ जाओ। बहुत सुंदर सुंदर भगवान की कथाओं को सुनाया, कथाएं सुन रही थी सती जी। उसी समय सती के पिता जो दक्ष हैं, उन्होंने यज्ञ किया था। कथा सुन रही हैं परंतु मन अब भी कथा में नहीं लग रहा है। ऊपर देखा, महाराज ये विमान कहाँ जा रहे हैं देवताओं के? भगवान शिव ने कहा, देवी आपके पिता ने यज्ञ किया है, ये विमान, ये देवता विमानों में बैठ करके वहीं यज्ञ में जा रहे हैं। सती ने पूछा, महाराज हमारे घर निमंत्रण नहीं आया। कोई बात नहीं, नहीं आया निमंत्रण तो पिता के घर, पति के घर, स्वामी के घर, गुरु के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। निमंत्रण की बात नहीं देखनी चाहिए। आपकी आज्ञा यदि हो तो मैं अपने पिता के घर चली जाऊं। भगवान शिव ने मन में विचार किया कि अगर ये यदि पिता के यहाँ जाती हैं और वहां इन्हें मेरा अपमान दिखाई देगा तो इनसे सहन नहीं होगा, तो मना किया। तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेह, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह। आओ बैठो पियो पानी, तीन बात मोल नहीं आनी। कोई अपने घर आ जाए अतिथि, आओ बैसो पानी पीशो, केम छो सारा छो। दो चार बात मीठी कर देने से, किसी को बिठा करके जल पिला देने से हमारा कुछ घट नहीं जाता है, परंतु जिसके घर हम जा रहे हैं वहां जाने वाले आदमी की हमारे देखते ही त्योरियां चढ़ जाएं और मन में सोचने लगे कहां से आ गया ये, अब इसको चाय भी पिलानी पड़ेगी, नाश्ता भी कराना पड़ेगा, बिठाना भी पड़ेगा, ऐसी जगह कभी भी नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव ने आज तक जो बात सती से छुपा करके रखी थी वो आज सती को बता दी। सती तमारा जो बापू छे ना, ए मारा थी बहु ईर्ष्या रखे छे, ईर्ष्या करे छे, केम ये ब्रह्म सभामा अमे सौ वैसे आता, तमारा पिता ने, आपके पिता को ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति का पद दिया। जैसे ही आपके पिता सभा में आए सब जने उठ करके खड़े हो गए, परंतु मैं उठ करके खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि भगवान शिव तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन उठ रहा है, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। हर समय प्रभु राम के नाम का जाप भगवान शिव के अंतःकरण में चलता रहता है। भगवान शिव खड़े नहीं हुए, कहा सती जब मैं नहीं खड़ा हुआ तो तुम्हारे पिता जो दक्ष हैं उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, कहा कि देखो इस बंदर जैसे मुख वाले इस अघोरी शंकर को मैंने अपनी पुत्री से विवाह दिया और ये कितना धूर्त है, जामाता पुत्र के समान होता है, ये उठ करके मेरा स्वागत भी नहीं कर सकता, मैं इसके पिता के समान हूं, आज से मैं इसे यज्ञ भाग से अलग करता हूं। और आज के पति होए तो ससुराल में बेटी के अगर थोड़ा सा भी अपमान हो जाए, देख तेरे घर लेके गई थी तू, क्या मिला, मेरा अपमान करवा दिया, अब कभी नहीं जाऊंगा ससुराल।
शिव जी ने इतनी लंबी बात अपने हृदय में छुपा करके रखी, आज जब सती ने ये कहा कि मैं जाऊंगी पिता के यहाँ, तब भगवान शिव ने ये राज खोला कि देखो सती, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जो कुछ होगा तुम उसे सहन नहीं कर पाओगी। परंतु सती ने हट किया, नहीं प्रभु मैं जाना चाहती हूँ, पिता के घर तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए, मैं जाना चाहती हूँ। तो भगवान शिव ने नंदी, भृंगी आदि जितने भी गण हैं, उनको जो सती जी के खेलने वाले जो खिलौने थे, जो दर्पण था, श्रृंगार करने वाली जो वस्तुएं थी, खेलने वाले जो गेंद आदि थे, उन सबों को, सामानों को साथ दे करके और सती को दक्ष के यहाँ विदा किया। सती जब वहां जाकर की पहुंची तो दक्ष ने सती को देख करके मुंह फेर लिया। दक्षिण कछु पूछी कुसलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। जितने भी वहां मेहमान आए हुए थे, किसी ने भी सती से न नमस्कार किया, न कुशल पूछी। सादर भले ही मिली एक माता, माता ने अवश्य अपने हृदय से लगा लिया, पुत्री कैसी है, बहुत दिनों बाद आई। और बहनें बोली, कहो बहन कैसे अकेले आई हो, जीजाजी को कहां छोड़ के आ गई। सती ने उस समय जाकर के उस यज्ञ मंडप को देखा, जहां अनेक देवताओं के भाग बने हुए, परंतु कहीं भी भगवान शिव का भाग दिखाई नहीं देता। तब तो शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सब ही हटी हटकी, तब बोली बचन सक्रोध। सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, कही जिसने जिन शंकर निंदा। सुनहु सभा सद मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सोफल तुरत लहब सब पाहू, भली बात पछताहु पिताहु। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिए तहां जहां असीम जादा, सुनिए तहां जहां असीम जादा। भगवान हर की अर्थात भगवान विष्णु की और भगवान शिव की निंदा होती हो, अगर आप में ताकत है तब तो निंदा करने वाले की जीव काट दो। जीव काटने का ये मतलब नहीं कि आप चक्कू लेकर के उसकी जीव काटो, तलवार लेकर के उसकी जीव काटो। इतने प्रमाण दो उसे शास्त्रों के कि वो निंदा करने से तौबा कर ले, आप में यदि इतना ज्ञान है तो। और यदि नहीं ज्ञान है तो वहां खड़े रह करके उस निंदा को मत सुनो, अपने कान मूंद लो और वहां से चले जाओ, क्योंकि हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौ घात समाना। गौ हत्या का पाप उस व्यक्ति को लगता है जो भगवान शिव की और भगवान विष्णु की निंदा को सुनता है। सती ने सभी लोगों को बहुत फटकारा और फटकार लगाने के बाद में कहती हैं सभी से कि
दक्ष के अंश से जो उत्पन्न मेरा ये शरीर है, अब मैं जब लौट करके कैलाश पर जाऊंगी तो भगवान शिव मुझे दाक्षायणी कह करके बुलाएंगे, और जब मुझे दाक्षायणी कहेंगे, दक्ष पुत्री कहेंगे, तो मेरे शरीर में, मेरे हृदय में आग लग जाएगी और मुझे अपमान सहन करना पड़ेगा। इसलिए मैं इस देह का यहीं परित्याग करती हूँ। हे परब्रह्म परमात्मा, मैं आपसे ये वरदान मांगती हूँ कि इस शरीर को छोड़ने के बाद में अगला जो शरीर धारण करूं, उस जन्म में भी भगवान शिव ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। इस प्रकार कह करके सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। बोलिए सती मात की जय हो। गणों ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। कुछ गण रोते रोते भगवान शिव के पास पहुंचे कि प्रभु, माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया है। इस प्रकार से वहां यज्ञ में भगवान शिव ने अपनी एक जटा उपाड़ी और उस जटा को जैसे ही जमीन पर पटका, वहां पर उस जटा के दो भाग हो गए, एक से वीरभद्र प्रकट हुए और एक से कालिका प्रकट हुई। उन दोनों ने जाकर के उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष के सिर को काट करके हवन कुंड की अग्नि में डाल दिया। आप लोगों ने खबर छे ए दक्ष यज्ञ क्या की दू कनखल हरिद्वार क्षेत्र में, हरिहर क्षेत्र में जो कनखल थे ना गंगा जी ना किनारे, अयाज किदू बहुत सुंदर दर्शन छे। जो लोग हरिद्वार गए हैं उन्होंने दर्शन किया होगा। कनखल में यज्ञ किया था, उस यज्ञ वेदी को आज भी हम लोग दर्शन करते हैं। दक्ष का सिर यज्ञ की अग्नि में आहुति के समान दे दिया। भगवान शंकर भी वहां पधारे। सब देवताओं के कहने पर, प्रार्थना करने पर, भगवान विष्णु की प्रार्थना करने पर, ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर, भगवान शिव ने दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया। क्यों बकरे का सिर लगाया? क्योंकि दक्ष को अहंकार था कि मैं ही सब कुछ हूं। और बकरा कैसे करता है? मैं। इसलिए बकरे का सिर लगा दिया कि जो तुम्हारी मैं है वो समाप्त तो हो जानी चाहिए। जैसे शिव विमुख की गति होती है, दक्ष के भी वही गति हुई। यहां जो सती जी शरीर त्यागते समय ध्यान कर रही थी, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, पार्वती तह जाए, सती मरत हरि सन बरमांगा, सती मरत हरि सन बरमांगा। उसके बाद की तो जो लीला हुई वो आप सब लोग जानते ही हैं। भगवान शिव ने सती के देह को अपने हाथों में उठा लिया,
भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि मृत देह को भी, आपने देखा है ना भगवान शिव को, आपने भगवान शिव को देखा है, लिखा है पुराणों में कि जिस समय व्यक्ति मृत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और हम उसको शैया पर लिटा करके श्मशान के लिए ले जाते हैं, तो कहते हैं राम नाम सत्य है। भगवान शिव मन में विचार करते हैं, हाँ राम नाम तो सत्य है, तो ये लोग जो चल रहे हैं राम नाम सत्य कहते हुए, तो ये जो कंधे पर जिसको लिए जा रहे हैं उसमें भी राम नाम है, अर्थात जब संसार के कण कण में राम बसे हुए हैं तो इसमें शव में भी राम है। भगवान शिव उस अर्थी के साथ साथ चल देते हैं। श्मशान में जब पहुंचे, अंतिम संस्कार कर दिया, भगवान शिव ने देखा, अरे इन लोगों ने तो राम नाम को जलाने का प्रयत्न किया। भगवान शिव उस चिताग्नि को, उस चिता की भस्म को उठा करके उसमें ऐसे ढूंढते हैं राम नाम कहाँ है, और जब राम नाम नहीं मिलता तो उस भस्म को उठा करके अपने ऐसे शरीर पर लपेट लेते हैं, चिता भस्मा लेपा। भगवान शिव अपने भक्तों से प्रेम करने वाले, प्रभु राम के नाम से प्रेम करने वाले, सती को उठा लिया और सती को लेकर के चारों दिशाओं में घूम रहे हैं, बड़े व्यथित हैं। भगत दुखी दुखित दुख दुखी सुजाना, प्रभु भक्त के कारण दुखी हैं। भगवान विष्णु ने अपने चक्र को आदेश दिया और सती के शरीर को छिन्न भिन्न करवा दिया, और सती के एक एक अंग जहां जहां जाकर के गिरे हैं वहां 51 शक्ति पीठों की स्थापना हुई है। कभी जब बहुत समय मिलेगा तब आपको प्रत्येक शक्ति पीठ का नाम और वहां कौन सा अंग गिरा है और वो शक्ति पीठ कौन सी जगह है, इन सब बातों के बारे में बताएंगे। वैसे सभी वृद्ध जन बैठे हुए हैं, कथा सुनने वाले लोग हैं, सब पुराणों को पढ़ने वाले आप लोग हैं, बधा जानो छो के ए चरित्र केम छे। मरते हुए सती जी ने वरदान मांगा था कि अगले जन्म में ही मुझे भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हो। इस कारण से हिमाचल राज के यहाँ जो पर्वत राज हिमालय हैं उनके घर पर के जाकर के सती का जन्म हुआ। कैसे हिमालय राज के यहाँ कोई संतान नहीं, कन्या नहीं है, 100 मैनाक आदि 100 पर्वत हैं जो उनके पुत्र हैं, परंतु कन्या कोई नहीं है। तो गुरुजी से पूछते हैं कि महाराज हमें कन्या चाहिए, और आज कहीं कन्या गर्भ माँ हो तो सोनोग्राफी कराई ने, अबॉर्शन कराई ले भैया। अगर कन्याएं इस संसार में नहीं होंगी तो ये रसा जो है ना, ये धरती ये रसातल को चली जाएगी। भगवान ने ये जो जोड़ा बनाया है पुरुष और प्रकृति का, इसके लिए कन्या की भी जरूरत है और पुत्र की भी जरूरत है। और यदि सच में पूछा जाए, जितना माता पिता का ध्यान, जितने कुल की मर्यादा का ध्यान कन्या रख सकती है, उतना पुत्र कभी नहीं रख सकता। कन्या के लिए प्रार्थना की, गुरुदेव ने कहा कि आप माता अंबे की भक्ति करो और वो प्रसन्न होकर के जब आपको वरदान दे देंगी तभी आपकी कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। दोनों पति पत्नी मिलकर के तपस्या करने चले जाते हैं और वहां बड़े प्रेम से बहुत काल तक तपस्या करते हुए माता दुर्गा की आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे माँ हमें दर्शन दो। सिंह
सिंह पे सवार दुर्गा महारानी अन्नपूर्णा मैया तुम हो कल्याणी द्वारे पे तेरे हम आ गए आ गए सिंह पे सवार महारानी